पोल में न्यूज 18 इंडिया का ये मेगा पोल अब तक क्या कुछ आपके सामने तस्वीर लाया है वो बताने की बारी आ गई है पंकज। बिल्कुल, अब तक हमने आपको 11 स्टेट्स के 284 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया है और इन 284 सीटों में एनडीए को 211 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 64 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 284 सीटें। उसमें से किसको कितना मिला? कर्नाटक और असम में एनडीए की बड़ी जीत यहां पर होती हुई दिख रही है। यूपी बिहार में इंडी गठबंधन के सफाए के आसार हैं। एमपी दिल्ली में भी एनडीए के क्लीन स्वीप का अनुमान दिख रहा है। ये बिग पिक्चर आपको इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, 11 राज्यों के ओपिनियन पोल में एनडीए को बंपर बढ़त है। अब जरा आगे का पिटारा खोलने का वक्त। राजस्थान मारा जमीन रो नंबर आवा वालो है। भावनाएं जो है रूबिका हम समझ सकते हैं। राजस्थान का जिक्र हो रहा है। 25 सीट क्लीन स्वीप एनडीए करती हुई यहां पर नजर आ रही है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें राजस्थान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो राजस्थान की तस्वीर, और अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए के लिए 61% है, 61%, जबकि 33% इंडी गठबंधन को और अन्य के खाते में 6%। ये राजस्थान का हम वोट शेयर आपको बता रहे, वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए 61% यहाँ पर बीजेपी के खाते में, 33% कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 6% आते हुए राजस्थान का पिटारा खुला और राजस्थान में बंपर जीत एनडीए यहां पर लाते हुए। अब उत्तराखंड बिल्कुल पहाड़ी राज्य है, 5 वहां पर लोकसभा सीटें हैं और यहां पर आप देखिए क्लीन स्वीप है एक बार फिर से। उत्तराखंड में ओपिनियन पोल हमारा बता रहा है, आप देखिए 5 की 5 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, जबकि 0 यानी अकाउंट खुल नहीं रहा है, खाता खुल नहीं रहा है। वोट परसेंटेज आ गया उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी को 62% वोट प्रतिशत यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। इंडी गठबंधन के खाते में 30% जाते हुए वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 8%। इन 5 सीटों पर उत्तराखंड की क्लीन स्वीप करते हुए भारतीय दोनों ही राज्यों में, वो चाहे राजस्थान हो वहां पर पूरी की पूरी सीट्स, और अगर वो बात हो उत्तराखंड की। अब जरा दक्षिण के राज्य तेलंगाना की बात करते हैं तो आप देखिए एनडीए को यहां 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 6 सीटें मिलती जा रही हैं। केसीआर की बीआरएस 2 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 और अदर्स के खाते में 0। इंटरेस्टिंग मुकाबला है यहां, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें, इंडी गठबंधन को 6 सीटें, बीआरएस को 2 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वोट प्रतिशत जरा जनता को बता देते हैं, तेलंगाना में किसके खाते में कितना वोट आता हुआ दिख रहा है, 28%। लेकिन यहां देखिए सरकार अभी इस वक्त उम्मीद जागी थी इसी राज्य से, कांग्रेस की इसी सरकार राज्य में कांग्रेस को 34% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिकस्त मिली थी बीआरएस को तेलंगाना में, केसीआर को, तो 27% वोट परसेंटेज जो है वो बीआरएस को मिलता नजर आ रहा है, और एआईएमएम की अगर हम बात करें तो उनको 3%, जबकि अदर्स अन्य जो हैं उनको 8%। ये वोट शेयर हम बता रहे हैं आपको दक्षिण के राज्य तेलंगाना का। लेकिन कुल मिलाकर एंट्री यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए ये जो पूरा बड़ी तस्वीर आपके सामने है, 14 राज्य 443 में से 331 सीटों पर सर्वे ये बताता है कि 249 सीट एनडीए के खाते में आ रही है और इंडिया अलायंस के खाते में 70 सीटें आती हुई नजर आ रही है। तो 14 राज्यों का ये ओपिनियन पोल हमने अभी तक आपको दिखाया है, जिसमें 543 में से 331 सीधे सीधे अभी दिखा चुके हैं हम आपको, और 249 में एनडीए, जबकि इंडी गठबंधन को 70 और अन्य के खाते में 12 नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक इस मेगा ओपिनियन पोल का लेखा जोखा हमने आपको बताया है, और इसीलिए अब विवेक श्रीवास्तव आप हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कुल मिलाकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही आंकड़ा शायद आते हुए दिख रहा है जिसका बार बार इशारा बीजेपी कर रही है। नहीं, ये मेरे को जो दिखा रहे हैं आप, ये वर्चुअली एक्सटेंशन ऑफ 2019 के डेटा ही लग रहे हैं, जो कि थोड़े आप अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं जैसे आपको आसाम का ही एग्जाम्पल दिया था, तो पिछले 2019 के अंदर 35% और 36% 1% का लगभग वो डिफरेंस था, और इस बार INDIA इकट्ठा लड़ रहा है। वोट पोलराइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो उससे विपक्षी पक्ष भी होगा, तो मेरे ख्याल से 49% जो आपने दिखाया है ये एक एग्जेजरेशन है मेरे हिसाब से। आई थिंक इट वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक एंड कट आउट। कर्नाटका के अंदर अगर आप देखते हैं तो कर्नाटका के अंदर अगेन लास्ट टाइम वाला ही 1-2 सीट ऊपर नीचे करके आप उसको कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, दक्षिण भारत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। 2019 के बाद बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिविजिव रहा है, जिससे बहुत से राज्य और बहुत से वोट बैंक्स खिसके हैं।
बीजेपी आज एक नर्वस स्थिति के अंदर है, वरना बिहार के अंदर और कल हरियाणा के अंदर जो उठापटक करी है, जिस तरीके से INDIA के घटक दलों को तोड़ा जा रहा है, नजर आ रहा है। माने कृष्णक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, BRS के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। माने जी, पहला सवाल तो आपसे तेलंगाना को लेकर इसलिए है क्योंकि वहां पर बीजेपी बड़े तौर पर एंटर करते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला ऐसा है कि बिल्कुल पीछे पीछे इंडिया अलायंस है, सबसे आगे NDA दिख रहा है और आपकी पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर आकर खड़ी है आंकड़ों के लिहाज से। रूबिका जी, भाजपा को उम्मीदवारी नहीं मिल रहे। आप देख रहे हैं कि BRS के पूर्व सांसद को, पूर्व विधायक को अगवा करते हुए लेके जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों को लेके जा रहे हैं। उसका मतलब ही दिख रहा है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। अब तक जिन्होंने उन्होंने जो लिस्ट दिया है ना, उसमें 70% के जो नेता है, जो उनके उम्मीदवार है, वो हमारे KCR के दल के लोग है, वो हमारे पूर्व विधायक थे जी। अरे 1 तारीख को उनको पार्टी में लिया और 2 तारीख को उनको टिकट दे दिया, 24 घंटों के बीच। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि भाजपा के पास नेता ही नहीं है, तो काहे का बल, काहे का प्रदर्शन जी। जब नेता ही नहीं है तो कहां से वोट आएंगे उनको जी। तो आत्मविश्वास कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, बेचारे नेता भी नहीं बना सके। मैं जरा इनकी पार्टी की बात कर लेता हूं। माने, जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। पहले तो ये कि कांग्रेस से छिटक कर KCR ने अलग पार्टी बनाई थी, अलग पार्टी फॉर्म की थी, तो क्या फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? और बड़ा सवाल ये भी कि KCR क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। KCR जी हमारे यहाँ के विपक्ष नेता है, असेंबली में हम सरकार में थे, आज हमारे ऑपोजिशन के नेता है और हम आने वाले दिन KCR जी के नेतृत्व में काम करके फिर से यहाँ पे राज्य में सरकार में आएंगे। रही बात गठबंधन की, ये दोनों पार्टी के खिलाफ हम हैं, दोनों जो नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या ये जो INDIA अलायंस जिनका है। माने ये राजनीति है ना, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब से पार्टी बने थे ना, हमने देखा है तेलंगाना राज्य आने के बाद 14 से हम अकेले लड़े, अकेले 2 बार हमने सरकार फॉर्म की है, अब 3री बार। खैर, 1 बार तो हार देखा है हमने, लोकतंत्र में होता है, हार जीत होती है, पर फिर भी अकेले लड़ेंगे। इस ओपिनियन पोल से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो फिर मैं कहती हूँ आप अपना ओपिनियन पोल दे दीजिए हमें। मैं सतीश जी यहाँ पर केवल ओपिनियन देते हैं, लेकिन मैं आप, चूंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं आपसे बाकायदा नंबर भी ले लेती हूँ। हम यहाँ पर आपको तेलंगाना में इस वक्त दे रहे हैं 2 सीटें, मतलब हमारा जो सर्वे हुआ है, आप कितनी सीटें दे रहे हैं? आप कह रहे हैं इनके पास लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं है, आप कह रहे हो अगवा करके टिकट दे रहे हैं, तो वही आदमी जिसकी पॉपुलैरिटी है वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और इनफैक्ट वहां नंबर बता रहा है 8 सीटें मिल रही है आपको, 2 सीटें। यू टेल मी हाउ मेनी सीट, 17 में से कितनी सीटें आपको? रूबिका जी, आंकड़े तो तेलंगाना के